नमस्कार, स्वागत है आपका मैक्स लाइव पर। मैं हूं पुरुषोत्तम दत्त। चलिए बढ़ते हैं खबरों में। रावतसर में पिकअप और बस की आमने सामने हुई टक्कर में कुल 13 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना गलत ओवरटेक के कारण होना बताया जा रहा है। टक्कर के बाद बस पलट गई व पिकअप के दो टुकड़े हो गए। यह सारा घटनाक्रम रावतसर थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर स्थित है धन्नासर केंची के पास उस वक्त घटित हुआ जब पिकअप चालक ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बस से पिकअप की सीधी टक्कर हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पल्लू की तरफ से बस रावतसर आ रही थी, वह इंटो से भरी हुई पिकअप पल्लू की तरफ जा रही थी। इसी दौरान यह सारा घटनाक्रम सामने आया। हादसे में पिकअप चालक व बस सवार एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आने की भी सूचना है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही धन्नासर चौकी से ASI जयवीर पुनिया जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे व घायलों को रावतसर स्थित राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया। चिकित्सकों ने 4 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया व अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। धन्नासर पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं और मेरा स्टाफ मौके पर पहुंचे थे। एक बस और एक पिकअप गाड़ी एक्सीडेंट होकर पलटी हुई थी। आसपास के लोग वहाँ गए हुए थे, साधन खड़े हुए थे। उनके द्वारा बस में जो सवारी थी उनको निकाला गया और प्राइवेट साधनों द्वारा उनको इलाज के लिए भिजवाया गया। जो पिकअप गाड़ी थी उसके नंबर है RJ 4 CA 0783। उसका चालक लोढ़ाराम निवासी धनियासर का होना ज्ञात हुआ है, बस के चालक का ज्ञात हुआ नहीं है। और बस नया RJ 10 TA 2925 जो पल्लू से राव की तरफ जा रही है।